इसके सभी लोग, तो फिलहाल तो भाई अभी मैं कॉलेज से आ चुका हूँ, तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी थी हद से ज़्यादा। तो अभी तो भाई हमारी टाइमिंग 1:30 बजे की हो चुकी है, तो भाई अभी हमारी टाइमिंग 1:30 बजे की हो गई, मतलब कि पहले नहीं देखता हूँ, पहले हमारी जो टाइमिंग थी वो 12:30 बजे की थी, मगर अभी हमारे मतलब के सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के पेपर ख़त्म हो चुके, तो अभी हमारी टाइमिंग बढ़ गई है भाई, तो वही 1:30 बजे की होगी। तो अभी फ़िलहाल मैं आके देख, फिलहाल तो भाई ये रहा अब कबूतर का बच्चा, भाई माशाल्लाह थोड़ा सही हो गया, वरना पहले तो बहुत ज़्यादा ही छोटा सा था और बहुत ज़्यादा भाई कमज़ोर था, वो आँख भी नहीं खुली थी, अभी तो इसकी हल्की हल्की आँख भी खुल चुकी है बहुत भाई, ऐसे उसको हाथ लगाने से भी डर लग रहा है कि भाई इसको कुछ हो नहीं जाए। ये देख रहे भाई, ये अपने मतलब अभी भी अपनी गर्दन सही संभाल नहीं पा रहे, तो इसके लिए भाई खाना रखा था यहाँ पर, इसकी माँ ने भाई खा ली, मतलब इसकी माँ के लिए रखते हो कि भाई बाजरा आगे खाए, तो खा लिए। तो फिलहाल इसको यहाँ पर अभी इसका कपड़ा भी चेंज करना पड़ेगा, तो बाद में इसका कपड़ा भी चेंज करता हूँ। एक काम करता हूँ, बल्ब यहाँ पे लगा लेता हूँ या नहीं, ये देख रहे भाई ये गर्दन नहीं संभाल पा रहा भाई, ये गर्दन अपने बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रहा, और पहली बार मैंने कबूतर का ऐसा बच्चा देखा, उन्होंने मैंने कभी नहीं करो नहीं करो नहीं करो नहीं करो, नींद में भाई नींद में नहीं है, यही छोटा सा ना तभी ऐसा हो रहा है, बहुत ही छोटा सा भाई ये, क्योंकि आपसे तो बड़ा, हाँ आपसे तो छोटा ही, आप तो बड़े हो, क्योंकि मैंने सिर्फ चिड़िया के बच्चे देखे, चूजे के देखे भाई, मैं कबूतर का कभी बच्चा देखा ही नहीं था, पहली बार देख रहा हूँ, फुल येलो कलर का होता है ये, तो बहुत ज़्यादा ही भाई अलग ही अजीब सा लग रहा था उस टाइम जब मैंने देखा ना, मेरे का भाई किसी और जानवर का होगा, कबूतर का था, अभी पता चला इसकी चोंच से पता चल गया, देख रहे ये गया 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 गया, गर्दन नहीं कंट्रोल कर पा रहा भाई अभी भी, तो अभी इसको 1 हफ्ता लगेंगे, वो कबूतर के बच्चे तो भाई जल्दी बड़े हो जाते पता भी नहीं चलता। अभी ये भी स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि स्कूल केमाड़ी में रहते थे, वहाँ पे स्कूल थी इसकी, अब वहाँ पे नहीं है, केमाड़ी में थे तो भाई उसकी वाली स्कूल थी, अब केमाड़ी में की स्कूल से तो निकाल दिया इसको, तो अभी इसको इधर इस एरिया की अंदर की एरिया की स्कूल में इसको डालेंगे इधर की, अभी अभी तक मतलब इसका एडमिशन हुआ नहीं, इसको अभी हम लोग तैयारी करा रहे टेस्ट की कि भाई ये सही प्रैक्टिस कर ले कि भाई वहाँ पे जाएंगे, ऐसी बात है कि माशाल्लाह बड़ा भाई 7 साल का, तो अभी इसको अगर लेंगे तो डालेंगे इसको, हम लोग कोशिश करें कि इसको सीधा 1 में डाल दें, 6 साल का 7 साल भाई मतलब 7वां साल इसका स्टार्ट हुआ है ये, मगर 6 साल का, तो अभी हम लोग कोशिश करें कि सीधा इसको 1 क्लास में डाल दें, क्योंकि ये जो बीच की क्लासे होता है LKG 1 LKG 2 ये फालतू की होती है, ये मतलब कि समझे कि स्कूल वालों का एक लूटने का तरीका होता है, जरिया होता है ये बच्चों के मतलब साल बर्बाद करने के लिए, LKG 1 नर्सरी ये प्राणा ढुमका सीधा बच्चों को मोंटेसरी पढ़ा वो सीधा 1 में डालो भाई, और ये अभी कोशिश तो कर रहे हैं अभी इसको, अभी या तो भी हम लोग इसको अभी पब्लिक में डालेंगे या तो भी 8वीं पब्लिक में डालेंगे, मतलब भाई बड़ी स्कूल में डालेंगे, छोटी स्कूलों में नहीं डालेंगे, कार का हम लोग कर रहे हैं भाई, इसको भी हम लोग अभी फिलहाल जो हम लोग काम कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियर का कर रहे हैं, तो इसको भी इसी का ही शौक है, इसको भी गाड़ियों का शौक है, क्योंकि हम लोग इसका पढ़ते रहते हैं ना गाड़ियों के बारे में, वो गाड़ियाँ ठीक करते रहते हैं, तो इसको भी अभी शौक आ गया, तो काम करूँगे तो कर पाओगे, अभी तो आपको टाइम लगेगा, अभी आपको 10 क्लास पढ़नी पड़ेंगी, हम लोग जब तक बाढ़ मुल्क पर चले जाएंगे फिर आप सीखने के बाद आओगे, बाढ़ मुल्क लगेगा अभी आपको टाइम, फिलहाल तो भाई मैं जिम का भी कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक अब वो जब आएंगे इंशाल्लाह भाई आने वाले, तो भी तब मैं भाई कह रहा मैं इधर कहीं गैराज का करूँगा, अभी फिलहाल मैं गैराज का नहीं कर रहा जिम का कर रहा हूँ, क्योंकि भाई तुम लोगों को पता है, अब जिनको पता है कि भाई मेरा बाईपास ऑपरेशन हुआ था तभी मैं कमज़ोर हूँ, उसी वजह से भाई मेरी जान नहीं बन गई, मैं तकरीबन 7 साल का था तब मेरा बाईपास ऑपरेशन हुआ था, तो बस अभी मैं जिम ज्वाइन करूँगा कि भाई थोड़ा भाई ढोले शोले बन जाए, बिल्कुल सही हो जाए, फिर उसके बाद जाके भाई मैं काम करूँगा गाड़ियों का, पहले मैं गया था, मैं पहले तकरीबन 2 महीना सिर्फ जिम गया था, मगर इतनी गर्मी थी ना, उस गर्मी में था मैं 2 महीना जिम गया था, मगर इतनी गर्मी थी ना जून जुलाई में मैं गया था, यकीन मानो यार, एक तो उधर पंखे ख़राब हो जाते थे, और तकरीबन 2000 रुपये लेते थे, 2000 रुपये एक महीने का 2000 रुपये लेते थे, और एक तो इतने पंखे उनके ख़राब, गर्मी भाई इतनी दम घुटता था, मतलब कि समझो कि भाई टांगों में ना भाई दाने निकलने शुरू हो गए थे भाई, एक तो मतलब पसीना इतना होता था ना, क्योंकि एक बंदा आता था वहाँ पे वर्क करता था, चेयर होती थी सही है लेदर की, अब उसमें उसका पसीना, अब दूसरा बंदा आया लेटे, अभी मैं वहाँ पे आके भाई करूँ मेरी कमरे में उसका पसीना है, अपना पसीना मिक्स, तो उसकी वजह से भाई दाने निकलना शुरू हो गए, तो भी मैंने छोड़ दिया था, 2 महीना गया था मैंने छोड़ दिया था, प्रोटीन भी लेके आ गया था, अब अबू ने प्रोटीन लेट लेके आया था जब मैंने जिम छोड़ दिया था, अब वो प्रोटीन ऐसा था ना कि मतलब कि अगर जिम नहीं करो उसके अलावा ऐसे प्रोटीन खाओ तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता, तो तकरीबन समझो कि हम लोगों ने ऐसे कर करके प्रोटीन को खाली कर दिया, जिम के टाइम नहीं खाते थे, मगर उस प्रोटीन से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो अभी फिलहाल भी इंशाल्लाह कल से या परसों से जिम जाऊँगा,
वो सही है भाई, क्योंकि अभी फिलहाल फारिक होते हो यार। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, 10 लाइक का टारगेट है, कंप्लीट कर देना। वो यार सब्सक्राइब कर देना यार, 9 सब्सक्राइबर की कमी है, 9 सब्सक्राइबर चाहिए भाई, 2K हो जाएगा इंशाल्लाह। और भाई कर लेना सब्सक्राइब, क्या होता है अभी चलते भाई खाना खाते, अभी तो इतनी भूख लग रही है ना, वो गर्मी भी बहुत है भाई इसको, तो फिलहाल तो ये भी गर्मी होता है। अभी फिलहाल ये अपनी तैयारी कर रहा है, फिर उसके बाद से ये जाएगा स्कूल, फिर इसको पता चलेगा ये जिम। अभी आप जिम नहीं करोगे, जिम मैं करूँगा। हाँ आपकी पढ़ाई अभी तक कम्प्लीट नहीं होगी। हाँ ये डंबल उठा सकता है, ये छोटे वाले डंबल होते हैं भाई वो उठा सकते हैं, मगर जो हमने लेके आए थे ना बड़े वाले वो नहीं उठा सकता, क्योंकि बहुत भारी है, अगर वो उठाएगा किसी के पाँव पे लगेगा। इसको शौक है, अब चाहे इसी बात हम लोग जो करेंगे उसी का इसको शौक होगा, मगर लगेगा भाई इसको टाइम जिम में तो इसको, क्योंकि 18 साल की उम्र के बाद जाके भाई जिम ज्वाइन कर सकते। फिलहाल मैं 18 साल का हो चुका हूँ, तो अभी मैं जिम कर रहा हूँ। पहले मैंने जो किया था 17 साल की उम्र में किया था, तभी भाई मेरे को अजीब सा हो रहा था, मतलब कि थोड़ा तो सही बस पसीना बहुत तक, गर्मी का वही मौसम था। अभी थोड़ा मौसम सही है, मतलब ऐसा नहीं जैसे पहला था। अब देखता हूँ भाई कि वो जिम कैसा है, क्योंकि अभी जिससे खारदन में आए हो ना, इधर 2 जिम है, एक ग्राउंड की तरफ, एक इधर मार्केट की तरफ। तो मैं जो मार्केट की तरफ जाऊँगा, क्योंकि ग्राउंड की तरफ बहुत ज़्यादा दूर है, उधर जाने का फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि उसके तकरीबन 3-4 रोड पार करने पड़ेंगे। अब ये जो मार्केट की तरफ है ना, इसके लिए सिर्फ 2 रोड पार करने के आ जाएगा। तो अभी जाऊँगा, आज देखूँगा, बात करूँगा कि भाई, क्योंकि जान पहचान वाले ना उसी से ये, मतलब कि हम जिस रिक्शे में आते जाते हैं ना उसी का रिश्तेदार है, तो बात करके देखूंगा कि भाई कितने फीस है क्या है। तकरीबन मुझे इतना पता नहीं कि भाई 2000 या 1500 होंगे, अगर तो VIP जिम होगा तो भाई 2000, अगर नॉर्मल पंखु वाला होगा ना भाई तो भाई वो 1500। खाने पक गए, खाने में क्या पूछ क्या हो जाओ। फिलहाल भाई हम लोगों ने ये साफ सफाई कर ली थी, क्योंकि मेहमान भी उसके बाद चले गए थे। ये कबूतर आई नहीं भाई, वो इधर तुम लोगों को तो दिखा दो, छोड़े हो क्या चावल या रोटी है, तो बस आके देख के चला जा। वो दरवाज़ा बंद कर देते, तो फिलहाल ये था भाई और रोटी बन रही है। फिलहाल अभी जानो भाई रोटी लेने के, क्योंकि तुम लोगों को पता है भाई गैस बिल्कुल भी नहीं है, गैस उधर भी नहीं था, केमाड़ी में भी नहीं था, बस इस एरिया में भी गैस बिल्कुल नहीं है। तो बस अभी चलते भाई रोटी लेने के लिए। तो फिलहाल तो भाई अभी मैं रोटियां लेके आ चुका हूँ, तो बस चलते, क्योंकि बैग में इससे लेके गया तो भाई बैग के अंदर मोबाइल पड़ा हुआ था भाई, मोबाइल चोरी होने का डर। दोस्तों आज की इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।